लाल टोपी से माननीय योगी जी भयभीत हैं, और जब से भयभीत हैं, जब से अयोध्या में हारे हैं और हम जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, माननीय अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार जीता है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीता है, तब से लाल टोपी से पूरी तरह से भयभीत हैं। बीजेपी तो सफाया की तरफ चल रही है, मैंने बीजेपी का जो आधार था वो आधार खत्म हो रहा है, तो अब किस तरह चाहे। और इस देश और प्रदेश की जनता ने सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नकार दिया है, उसका अदा है जनपद अयोध्या में फैजाबाद की लोकसभा सीट मुझे जिताकर पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की, संविधान बचाने की और क्या नाम है आरक्षण बचाने की और महंगाई हटाने की और देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की राजनीति इस देश में चलेगी। वही पीडीए का काम है, पीडीए इस देश में काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का दिन समाप्त होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, शिवराज सिंह महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा लगी थी जो गिर गई, प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका इनॉग्रेशन किया था, अब उन्होंने माफी मांगी है। शिवाजी पूज्य हैं और समूचे देश के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनके सम्मान में जो भी कहा जाए वो कम है। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले होते हैं, इस पर क्या कहना? ऐसा है, हमने तो कल प्रेस में कहा था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं जी, ये लाल टोपी से माननीय योगी जी भयभीत हैं, और जब से भयभीत हैं, जब से अयोध्या में हारे हैं और हम जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, माननीय अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार जीता है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीता है, सबसे लाल टोपी से पूरी तरह से भयभीत हैं। और उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव में उन्होंने मिल्कीपुर का जिम्मा लिया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी तो ये घबराए हुए। और जहां तक लाल का सवाल है, लाल तो हमारी माताओं का, बहनों का सुहाग है, सिंदूर जो दिया जाता है उसका रंग लाल होता है, उसका रंग लाल होता है, जो हमारी बहन बेटियों को सिंदूर दिया जाता है, शादी होती है या वो हमेशा वो रहती हैं, तो वो तो उसका प्रतीक है। और मिहाउर दिया जाता है, वो लाल रंग का है। शादी ब्याह में जो तमाम प्रयोजन होते हैं, हमारे धार्मिक प्रयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उसमें लाल रंग का इस्तेमाल होता है। और यहाँ तक कि देवी देवताओं को लाल रंग का फूल पसंद है, पता नहीं हमारे योगी बाबा को लाल रंग से नफरत क्या है। अरे यही लाल रंग भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में सफाया करेगा, और यही लाल रंग, यही लाल टोपी आने वाले ये जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से 200 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। अखिलेश जी ने कहा है कि जिनके बाल ना हो वो टोपी लगाएं, तो हमारे नेता हैं, उसका अनुसरण, तो वही बात हम भी कहेंगे, आपको भी कहना चाहिए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।